ट्रैफिक रूल को तोड़ने पे जो फाइन दिया जाता है उसको टाइम टू टाइम चेंज किया जाता है, मगर इस बार ट्रैफिक रूल को तोड़ने पर बहुत ज़्यादा फाइन कर दिया गया है। तो कितना फाइन किया गया है ट्रैफिक रूल को तोड़ने पर और कौन कौन से फाइन है ट्रैफिक रूल को तोड़ने पर 2021 में, चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप और प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। सो गाइस, मैं इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस रेड बटन को दबा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोस पाइए आप रोजाना। चलिए हम दिखा देते हैं कि ट्रैफिक रूल को तोड़ने पर आपको कौन कौन से पेनल्टी भरनी पड़ेंगी और पहले के मुकाबले अब कितनी ज़्यादा फीस लग रही है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ट्रैफिक रूल 1989 के तहत आते हैं। अगर आप ट्रैफिक रूल को तोड़ते हैं तो आपको ये सारे पेनल्टी आपको भरने पड़ेंगे। यहाँ देख रहे हैं कि वॉयलेशन, यहाँ पे आपको मतलब उसको तोड़ना, अगर आपको ट्रैफिक रूल को तोड़ते हैं तो यहाँ पे लिस्ट में पढ़ लीजिए कि आपको ये पेनल्टी भरनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर देख रहे हैं ड्रिंकिंग करके आप चला रहे हैं तो आपको 10,000 रुपये पेनल्टी देने पड़ेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर देख रहे हैं कि ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं आप तो यहाँ पर 1,000 से 2,000 के बीच में आपको पेनल्टी देनी पड़ेंगी। यहाँ पर देख रहे हैं कि डेंजरस ड्राइविंग अगर कर रहे हैं, ख़तरनाक ड्राइविंग कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर 5,000 रुपये आपको चलान काटेगा, आपको ट्रैफिक पुलिस वो आपको देने पड़ेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर देख रहे हैं कि ड्राइविंग विथआउट लाइसेंस, मतलब अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आपको 5,000 की पेनल्टी देनी पड़ेगी। इसी तरीके से यहाँ पर देख रहे हैं कि ड्राइविंग विथआउट इंश्योरेंस अगर आप कर रहे हैं तो 2,000 रुपये आपको पेनल्टी देनी पड़ेंगी। इसी तरीके से यहाँ पर आपको ढेर सारा ऑप्शन मिल जाता है, आप अपने हिसाब से इसको देख लीजिएगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑप्शंस रिलेटेड टू डॉक्यूमेंट, अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं अगर आपको ट्रैफिक पुलिस पकड़ लेती है तो आपको ये जो डॉक्यूमेंट नहीं है तो वो आपके इतने पेनल्टी देनी पड़ेंगी। यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ ड्राइविंग विथआउट कैरिंग वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस अगर नहीं है तो आपको इंडियन रुपीज 5,000 देनी पड़ेंगी। यहाँ पर देख रहे हैं जो आपको सेक्शन लगेंगे वो मोटर व्हीकल एक्ट सेक्शन 181 के तहत आप पे ये पेनल्टी लगेंगी। इसी तरीके से यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको ढेर सारा ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर देखिए ड्राइविंग विथआउट वैलिड परमिट अगर आपके पास नहीं है तो आपको 10,000 रुपये पेनल्टी लगेंगी। यहाँ पर देख रहे हैं कि मोटर व्हीकल एक्ट सेक्शन 192A के तहत आपको पेनल्टी लगेगी। इसी तरीके से यहाँ पर आपको ढेर सारा ऑप्शन मिल जाता है। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए कि ऑप्शंस रिलेटेड टू ड्राइविंग अगर आप कर रहे हैं रोड पे तो यहाँ पर देख रहे हैं कि वॉयलेशन ऑफ रूल ऑफ रोड रेगुलेशन, अगर आप रोड पर चल रहे हैं अगर आप रूल को तोड़ते हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 500 रुपया आपको पेनल्टी भरने पड़ेंगे। और यहाँ पर देख रहे हैं कि मोटर व्हीकल एक्ट सेक्शन 177A के तहत आपको ये पेनल्टी भरनी पड़ेंगी। यहाँ पे ये न्यू ऐड किया गया है। इसी तरीके से यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर आपका कोई ड्राइविंग कर रहा है बच्चा और वो 18 साल से कम उम्र का है तो यहाँ पे देख रहे हैं कि उसको 500 रुपया जो है उसको पेनल्टी देनी पड़ेंगी। और ये मोटर व्हीकल एक्ट सेक्शन 4R/W181 के तहत उस पर पेनल्टी लगेंगी। इसी तरीके से आपको इसमें ढेर सारा ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर आप डेंजरस ड्राइविंग करते हैं, मतलब गांव घर में होता है कि बहुत फास्ट में ड्राइविंग करता है पब्लिक प्लेस में, अगर ट्रैफिक पुलिस उसको पकड़ लेता है तो उसको 5,000 रुपये पेनल्टी लगेंगी। और यहाँ पे सेक्शन भी लगेंगे उसको, यहाँ पे मोटर व्हीकल एक्ट सेक्शन 184 के तहत उस पर सेक्शन भी लगेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे रेसिंग अगर आप कर रहे हैं रोड पर, यहाँ स्पीडिंग कर रहे हैं पब्लिक रोड में तो यहाँ पर 5,000 रुपये आपको पेनल्टी लगेंगी। और यहाँ पे उसको सेक्शन भी साथ में लगेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं कि मोटर व्हीकल एक्ट के तहत सेक्शन 189 के तहत उस पर सेक्शन भी लगेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे आपको ढेर सारा ऑप्शन मिल जाता है, आप अपने हिसाब से यहाँ पे देख रहे हैं लेंगे अगर आप रोड पे बाइक वगैरह चलाते हैं तो। यहाँ पर देख रहे हैं कि ड्राइविंग अगर फुटपाथ पे कर रहे हैं, मतलब जो पब्लिक प्लेस होता है उस पर अगर आप गाड़ी घुसा देते हो तो आपको 100 रुपये की पेनल्टी देनी पड़ेगी। और आप जो है सेक्शन लगेंगी मोटर व्हीकल एक्ट RRR/177 के तहत आप पे सेक्शन भी लग जाएंगी। इसी तरीके से आप रोड पर जाते होंगे तो वहाँ पर देखते होंगे कि रोड पर जो होते हैं येलो और रेड कलर की जो लाइनिंग बनी होते हैं, अगर उस पर आप गाड़ी चला रहे हैं बाइक चला रहे हैं तो वहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो आपको
पेनल्टी लगेंगी वो 100 रुपीस। और यहाँ पर देखिए आपको सेक्शन भी लगेंगे, मोटर व्हीकल एक्ट सेक्शन 119 और 177 के तहत आपको सेक्शन भी लग जाएंगे। इसी तरीके से आप वॉल्यूशन कर रहे हैं स्टॉप लाइन पे, तो स्टॉप लाइन पे करने के लिए यहाँ पे आप जो पेनल्टी लगेंगे 100 रुपये, और इस तरीके से यहाँ पे आपको सेक्शन भी लग जाएंगे। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको ढेर सारा और भी ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर देख रहे हैं कि बहुत सारे आप देखते होइएगा कि गांव घर में जो होता है या शहर में होता है कि जो गाड़ी होते हैं उस पर जो नंबर प्लेट नहीं होते हैं, अगर उस स्थिति में ट्रैफिक पुलिस पकड़ लेती है तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यूज ऑफ ऑब्सेंस नंबर प्लेट फॉर व्हीकल यूज इन ड्राइविंग। अगर आप जो है ड्राइविंग कर रहे हैं उस समय आपके व्हीकल पे आपके गाड़ी पे नंबर प्लेट नहीं है तो आपको पेनल्टी 100 रुपये देनी पड़ेंगी अगर आपको ट्रैफिक पुलिस पकड़ लेती है तो। इसी तरीके से यहाँ पे आपको सेक्शन भी लग जाएंगी। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको और सारा ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाता है। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं व्हीकल चला रहे हैं और अगर आपके गाड़ी में हॉर्न नहीं है तब यहाँ पर देखेंगे ड्राइविंग विदाउट ए हॉर्न नहीं है तब 100 रुपये की आपको पेनल्टी लग जाएंगी और आपको यहाँ पे सेक्शन भी लग जाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पे आपको ढेर सारा ऑप्शन और मिल जाता है, यहाँ पे अपने हिसाब से इसको रीड कर लेंगे एक बार। यहाँ पर देख रहे हैं कि अदर ऑप्शंस रिलेटेड टू ड्राइविंग, ड्राइविंग के समय में आपको ये बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि बहुत सारे आदमी जो होते हैं बाइक चला रहे होते हैं, फोर व्हीलर चला रहे होते हैं और वो जो है वो मोबाइल फ़ोन को यूज करते रहते हैं, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ यूजिंग मोबाइल फ़ोन व्हाइल ड्राइविंग, मतलब आप गाड़ी चला रहे हैं बाइक चला रहे हैं उस समय आप मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, अगर आपको ट्रैफिक पुलिस पकड़ लेती है तो आपको यहाँ पे 1000 पेनल्टी भी लग जाएंगी और यहाँ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत आपको सेक्शन भी लग जाएंगी 184। इसी तरीके से आप जो बहुत सारे देखते हो कि म्यूजिक जो सुनते रहते हैं बाइक पे या फोन सुनते रहते हैं और बाइक चला रहते हैं फोर व्हीलर चलाते रहते हैं, तो यहाँ पर देखिए वो अगर आपको ट्रैफिक पुलिस पकड़ लेती है तो यहाँ पर देखिए उसको जो है 100 रुपये का पेनल्टी भी लग जाएंगी और उसके बाद यहाँ सेक्शन भी लग जाएंगे मोटर व्हीकल एक्ट के तहत। यहाँ पर सेक्शन उसको लगेंगे 102 और 177 के तहत उस पर सेक्शन भी लग जाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पर देख रहे हैं कि आपको ढेर सारा और भी यहाँ पर ऑप्शन आपको मिल जाता है, तो आप जो कोई भी गाड़ी वगैरह चलाते हैं तो आप एकदम सावधानी से चलाएं, क्योंकि जो सेफ्टी होते हैं वो हमारे लिए ही होते हैं, तो आप जो गाड़ी चलाएं तो बहुत ही सावधानी से चलाएं। इसी तरीके से आप जो बाइक चलाते हैं उस पर जो आप पॉल्यूशन फैलाते हैं स्मोकिंग करते हैं, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर आप बाइक पर जा रहे हैं अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो यहाँ पर जो है स्मोकिंग देख रहे हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आपको जो लगेंगे पेनल्टी वो 100 रुपये लगेंगे और यहाँ पर सेक्शन भी आपको लग जाएंगी। इसी तरीके से यहाँ पर देख रहे हैं कि पॉल्यूशन नोट कंट्रोल आप कर रहे हैं तो यहाँ पर 100 रुपये पेनल्टी लगेंगी। इसी तरीके से यहाँ पर आपको ढेर सारा ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ इसको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, यहाँ पर आप अपने हिसाब से इसको एक बार रीड कर लेंगे। इसका लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, यहाँ से जाने के बाद डायरेक्ट आप इस पेज पे आ सकते हो और आपका जो ही पेनल्टी लगेगा और आप जानना चाहते हैं कौन सा पेनल्टी लगता है अगर आप सफ़र कर रहे हैं रोड में, अगर आप रूल रेगुलेशन तोड़ रहे हैं तो आपको इसमें वो सारे आपको पेनल्टी मिल जाते हैं जो आपको रोड रेगुलेशन तोड़ने पर आपको लगने वाले हैं। तो आप कभी भी जाइए, अगर रोड में जा रहे हैं तो वहाँ पे आप जो है सावधानी से जाइए, रोड जो रूल होते हैं वो हमारे लिए होते हैं, आप कोई भी रूल ना तोड़िए, नहीं तो वो पेनल्टी आपको यहाँ पर देख रहे हैं इतनी सारे पेनल्टी है वो सारे के सारे पेनल्टी आपको भरने पड़ेंगे। यहाँ पे आपको पूरी पेनल्टी जो जितने तरह की पेनल्टी है रोडवेज का वो सारे के सारे यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो आप जो है कोई भी रूल रेगुलेशन नहीं तोड़िए जिससे आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़े, और आप अपना रूल रेगुलेशन से चलिए तो आपको जो पेनल्टी भी नहीं देने पड़ेगा। सो गाइस, अब तो आप समझ गए होंगे कि पहले के मुकाबले अब कितनी फीस लग रही है ट्रैफिक रूल को तोड़ने पर। सो आई होप कि आप पब्लिक समझ गए होंगे कि वो किसी भी ट्रैफिक रूल को तोड़ने पर उसको कितनी पेनल्टी भरनी पड़ेगी। ट्रैफिक के जो रूल होते हैं वो हमारे सेफ्टी के लिए होते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं।